तो राधे राधे, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी आप लोग की दुआ से अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। आज का ब्लॉग जो है शाम से स्टार्ट हो रहा है, तो इस टाइम जो है 3:30 बज रहे हैं। तो आज हम लोग लग गए अपने घर के काम को निपटाने के लिए, जैसे ही दिवाली खत्म हुई, क्योंकि मम्मी का डेली का जो है यही कहना था कि तुम लोग जो है समय से काम नहीं कर रहे हो, काम नहीं करोगे तो काम हमारा पीछे रह जाएगा। फिर क्या दोस्तों, डेरी किस बात की करते हैं, चलिए अपने कामों में लग जाते हैं। तो दोस्तों, आज हमारे यहाँ जो है धान का भोजा ढोया जाएगा। पहले तो 2-3 दिन हम लोग धान की कटाई किए थे। पहले दिन है मेरे पैरों में ना जाने क्या हो गया था, जिसकी वजह से मैं अच्छे से चल फिर नहीं पा रही थी। तो फिर दीदी और बहनों ने मिलकर जो है धान की कटाई किया था और 2-3 दिन जो है खेतों में सुखाया गया था। मम्मी बोल रही थी खेतों में ही धान की पिटाई होगी, लेकिन फिर पापा का कहना था कि नहीं, खेतों में कैसे पिटाई होगी, फिर यहाँ से फुआल लेकर पीछे मतलब घर के साइड जाना पड़ेगा, उससे अच्छा है कि घर पे ही हम लोग पीट ले ताकि घर पे ही जो है बला जाए। तो आज हम बहनें जो है शुरुआत कर दिए। पहले भी 2 दिन किए थे लेकिन पूरा धान हमारा नहीं जा पाया था। तो आज दोस्तों दूसरा दिन है, देखते हैं आज जा पाता है या नहीं। कोशिश करेंगे कि हम लोग जो है पूरा धान खेतों से लेकर चले जाएं। इस समय तो बहुत ज़्यादा थकान हो जा रहा है। पहले तो 2-3 दिन हम लोग जो है दिवाली में साफ़ सफाई किए थे, उसके बाद जो है दिवाली बीत गया तो फिर मम्मी बोली चलो अब घर के काम करो, और घर के काम नहीं करेंगे दोस्तों तो हमारा जो है पीछे हो जाएगा। सारे लोग अपने धान की कटाई पिटाई कर लिए लेकिन अभी हमारा जो है पूरा नहीं हुआ है, और मौसम आज ऐसा लग रहा है कि बारिश हो जाएगा। बारिश होगा तो सारा हमारा नुकसान हो जाएगा, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं ताकि हमारा भी जो है समय से कटा पिटा जाए। कटा तो गया है लेकिन पिटाया नहीं, तो फिर हम अमृता जो है ढोने लग जाते हैं। प्रीति आज चली गई कोचिंग, बोल रही थी कि नहीं मैं नागा नहीं करूँगी क्योंकि मैम बोलती हैं, वैसे भी वो जो है इस बार 12th में है। तो सच में दोस्तों पढ़ाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आज वह नहीं दिख रही, वरना कल अमृता प्रीति जो है साइकिल से ढो रही थी, मैं जो है सर पर ढो रही थी। बहुत ज़्यादा थकान हो गया था पैरों में जो है, फिर से वैसे इधर धोने लगा था। तो फिर पापा बोले कि चलो आज तुम भी साइकिल से ढो, जिससे जो है आराम भी रहेगा और जल्दी तुम लोग जो है ढो भी लोगे। और सच में दोस्तों साइकिल से ढोने में ज़्यादा जो है दिक्कत नहीं हो रहा है, और जल्दी जल्दी हम लोग जो है अपना सारा बोझा भी ढो रहे हैं। तो देख सकते हैं अब ज़्यादा बोझा नहीं है, बस 3 से 4 बोझा और है, तो 1-2 बार और आएंगे तो पूरा हमारा जो है धान का बोझा घर चला जाएगा। उसके बाद जो है फिर अपना आराम से पीटेंगे। तो हम अमृता साइकिल पर रख दिए हैं, फिर जो है चल देते हैं। फाइनली दोस्तों 1 से 2 घंटे लगे और हमारा सारा बोझा जो है घर चला गया है। ये देखकर हमें जो है बहुत ज़्यादा खुशी हुई। थकान तो हुआ है लेकिन हमारा काम हो गया, इससे बढ़कर खुशी और हमारे लिए कुछ भी नहीं है। एक आध बोझा और रह गया तो इसे भी जो है हम तीनों बहनें साथ में लेकर चले जाते हैं। हम अमृता जो है ये बोझा ले लेते हैं और मम्मी जो है थोड़ा सा घास काटी थी हरा चारा, तो बोली कि लेकर आ जाना उसे भी, क्योंकि गैया घर पर जाते हैं हम लोग तुरंत बोलने लग जाती है, क्योंकि उन लोग को भी जो है उम्मीद रहती है कि सारे लोग खेत गए हैं तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर खाने के लिए लाएंगे। जैसे हम लोग की मम्मी पापा या कहीं भी मतलब लोग जाते हैं मार्केट, तो हम लोग भी एक आशा लगाए रहते हैं कि आज जो है कुछ ना कुछ खाने के लिए आएगा। तो वैसे हमारी गैया सब भी हैं, तो बस उन सबको डाल दे रहे हैं हरा चारा जो लेकर आई थी दीदी। और उसके बाद दोस्तों मिलते हैं आप लोग से शाम के समय। इस टाइम जो है 6:30 बज रहे हैं, तो हम लोग आ जाते हैं खाना बनाने के लिए। तो आज भोजन में बनेगा बेसन की सब्जी, चावल, रोटी। तो यहाँ पे दीदी जो है बेसन का घोल पहले ही तैयार कर दी थी, यानी हमारा जो है बर्फी बनकर रेडी हो गया है, बस उसे कट करना है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, तब तक दीदी जो है इधर छौका लगा देती हैं और मम्मी जो है कुछ अपना अलग तरीके से बना रही हैं कि हम लोग जो है पहले ऐसे कुछ भी नहीं करते थे, बहुत ही सिंपल तरीके से जो है बनाते थे। बिना प्याज और बिना टमाटर की हमारी सब्जी बनती थी, और तुम लोग जो है नए बाद में जो है सब कुछ इसमें मिक्स करते
करते हो। और सच में दोस्तों सब कुछ ऐड हो जाता है, टमाटर प्याज वाइस तो सब्जी और भी टेस्टी लगती है। और हाँ दोस्तों एक बात है, मम्मी लोग जो है कैसे भी कुछ भी मतलब चीजें बना देती हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो वही मम्मी बता रही हैं कि चलो अगली बार मैं बनाऊंगी, तुम लोग खाना और फिर बताना कैसा बनेगा। तो बस दीदी कहीं चले ठीक है, अगली बार आप बनाइएगा। तो यहाँ पे हमारा जो है बेसन का बर्फी बनकर रेडी हो गया, और दूसरी तरफ दीदी जो है लहसुन मिर्चा प्याज सब कुछ भुना गया था, तो इसमें जो है मसाले ऐड कर देती हैं। और इसमें जो है एक उबाल आ जाएगा, यानी इसके ऊपर तेल आ जाएगा, तो मान लीजिए आपका मसाला जो है पक गया है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो फिर यहीं पे दीदी जो है थोड़ा सा पानी ऐड करेंगी, और जब हमारा एक उबाल और आ जाएगा तो फिर इसमें जो है ये बेसन ऐड किया जाएगा। तो दोस्तों थोड़ी देर में एक दो उबाल आता है, तो मैं उसमें बेसन ऐड कर दी हूँ। अभी 10 से 5 मिनट बाद हमारी सब्जी बनकर रेडी हो जाएगी, तब तक मैं फटाफट सारी रोटियाँ बना देती हूँ। तो इधर हमारी देख सकते हैं टेस्टी टेस्टी सब्जी बनकर रेडी हो गई है, कैसी बनी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब सबके लिए प्लेट लगाते हैं, क्योंकि सबको लगी है जोरों की भूख, और जब भी घर में कुछ स्पेशल बनता है तो उसमें तो टाइम लगता ही है। तो फटाफट मैं जो है सबके लिए यहाँ पर प्लेट लगा देती हूँ। तो आइए दोस्तों आप लोग भी गर्म गर्म भोजन कीजिए, और बताइए कि आज का भोजन कैसा बना है। तो दोस्तों शाम का खाना पीना हो गया था, उसके बाद मैं आप लोग को ज़्यादा कुछ नहीं दिखाई, मैं बोली कि चलिए अब सुबह में जो काम होगा मैं उस काम की शुरुआत करूंगी आप लोग से। तो इस टाइम जो है सुबह के 5 बज रहे हैं, हम लोग जो है धान की पिटाई करना शुरू कर दिए। मम्मी तो जो है 4 बजे उठा रही थी, लेकिन दोस्तों आप लोग जानते हैं आलस के आगे जो है कुछ भी सुनाई नहीं देता है। तो बड़ी कोशिश करने के बाद हम लोग जो है 5 बजे उठते हैं और जो है पिटाई करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जितना जल्दी पिटाई करेंगे उतना जल्दी हमारे धान की पिटाई भी हो जाएगी। तो इधर हम तीनों बहनें जो है पिटाई कर रहे हैं, और प्रीति जो है आज भोजन बना रही है। आप लोग सोचेंगे कि वह क्यों बना रही है, तो उसे जो है बाहर के कामों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो बोल रही थी तुम लोग जो है पिटाई करो, मैं खाना बनाऊँगी, और बताना तुम लोग जो है आज का खाना कैसा बनाया। सच में दोस्तों वह जो है खाना बहुत ही अच्छा बनाती है। तो फिर क्या हम लोग जो है पिटाई करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों एक आध घंटे से ऊपर हो गया हमारा जो है आधा धान पिटा गया, थोड़ा धान और रह गया, तो बस उसे भी हम लोग जो है जल्दी जल्दी पीट रहे हैं। और आप लोग बताइए कि आप लोग के यहाँ जो है धान की कटाई पिटाई हो रही है या नहीं। यहाँ पे तो हम बहनें जोरों शोरों लगे हुए हैं कि जल्दी से हमारा काम हो के और हम लोग जो है इस कामों से जो है दूर हटें, क्योंकि ये काम जो है डेली दोस्तों करना अच्छा भी नहीं लगता है। इन सब की वजह से हम लोग जो है अपना बाकी का काम नहीं कर पाते, जैसे वीडियो का काम रहता है। मम्मी बोलते हैं पहले घर के काम निपटाओ उसके बाद करो, सब कुछ हम लोग को देखना रहता है। इसलिए दोस्तों मैं आप लोग से हमेशा कहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग हमारे वीडियो को डेली देखा करिए, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि हम जो है अपनी फैमिली के लिए जो है कुछ कर पाएँ। बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन इस टाइम दोस्तों व्यूज बहुत ही कम आते हैं, इसलिए मन बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। समझ में नहीं आता है कि क्या करें कि हमारे वीडियो पे जो है व्यूज अच्छा है, आप लोग कमेंट ही नहीं करते। जो लोग कमेंट करते हैं हमें जो है बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि चलिए कम से कम कुछ लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगता है, वह लोग जो है कमेंट करते हैं। अगर दोस्तों आप लोग को हमारे वीडियो में कुछ कमी भी दिखती है तो वो अभी बता दिया करिए, ताकि हम लोग जो है अपने वीडियो में सुधार करें और हमारे वीडियो पर जो है व्यूज अच्छा आए। अगर दोस्तों आप लोग ये नहीं कर सकते हैं, तो क्या अपने छोटी बहन के लिए इतना नहीं कर सकते हैं कि आप लोग हमारे वीडियो को डेली देख सकें और जितना हो सके उतना शेयर कर सके। अगर कर सकते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि कौन कौन हमारे बारे में जो है सोचता है और कौन चाहता है कि हम जो है आगे जा सकें। और दोस्तों इस वीडियो में अब ज़्यादा कुछ नहीं दिखाएंगे, अब मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, राधे राधे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।